नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जैसे ही देश में चुनाव नजदीक आते हैं तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की फर्जी पोस्ट और खबरों का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ही सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग जमकर वायरल हो रही है। इस अखबार की कटिंग में बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ का एक विवादित बयान छपा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें लिखा है, अब यूपी बिहार के लोगों का एक ही इलाज है, इनसे काम करवाओ फिर पीट कर यहां से भगा दो, हमने इनका ठेका थोड़ी ले रखा है। इस कटिंग को लोग कैप्शन के साथ जमकर शेयर कर रहे हैं। साथ ही इस अखबार की कटिंग को बिहार के मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, ये हैं बीजेपी के दिल्ली दक्षिणी के एमपी रमेश विधुड़ी, यह यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देने की बात करते हैं, यूपी बिहार वालों से काम कराओ फिर पीट कर भगाओ। आगे लिखा है, पीएम मोदी जी, अमित शाह जी, जवाब दें, इन पर रासुका लगाएं, नहीं तो इनका इलाज मैं यूपी बिहार के साथ मिलकर करूंगा, फिर कभी सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे। साथ ही फेसबुक पर कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि ये बड़बोले कुछ बोल देते हैं, बाद में इन्हें अपनी औकात पता चलती है, लेकिन जब हमने इस अखबार की कटिंग को देखा तो हम भी हैरान रह गए कि क्या वाकई में विधुड़ी साहब ने ऐसा कहा है। तो हमारी वीके न्यूज की टीम ने इसकी वायरल पड़ताल की तो बात कुछ और ही निकल कर आई। दरअसल इस अखबार की कटिंग को फोटोशॉप का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस कटिंग को गौर से देखिए, इसमें ना तो किसी अखबार का नाम है और ना ही किसी छापने वाले का, इसलिए हमारी पड़ताल में एक अखबार की कटिंग एकदम फर्जी साबित हुई है। साथ ही विधुड़ी ने खुद अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर इस अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा कि सत्ता की लोलुपता में लोग कितना गिर सकते हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया पर मेरे नाम से यूपी बिहार निवासियों के लिए बयान बताया गया, जबकि ना किसी अखबार का नाम दिया है और ना ही छापने वाले का। ऐसा 25 जून को अखबार की फर्जी कटिंग को आपके प्रवक्ता ने चलाया था, परिणाम स्वरूप सार्वजनिक तौर पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि तब जनसत्ता अखबार का नाम दिया था जिसे अखबार ने इनकार कर दिया था। वीके न्यूज की मुहिम फाइट अगेंस्ट फेक न्यूज जारी है। अगर आपके पास भी इस तरह की फर्जी पोस्ट या तस्वीर है जिसकी सच्चाई पर आपको शक है तो उसे हमारे साथ साझा करें, हम उसकी वायरल पड़ताल करके सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।